वाली ननंद का प्यार। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज तो मैंने सुबह उठते में बहुत जल्दी नहा लिया है क्योंकि मैं पूजा करने बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। सो मैंने कहा आज रोशनी भी नहीं आने वाली है तो जल्दी से नहा लेती हूँ। अभी 9 बज रही हैं तो मैंने तो नहा लिया है और अभी रेडी हो जाती हूँ, फिर पूजा करने बैठ जाती हूँ। एक घंटे में मेरी पूजा हो जाएगी, फिर खाना बना के शॉप पर। आज टारगेट रखना है 11:30-12 बजे तक तो शॉप पहुँच ही जाऊँ, तो इस टारगेट में मेरे साथ बने रहो। मंदिर में पूजा होगी, अभी जा रही हूँ बाहर तुलसी माता की पूजा करने, किचन में दिया करने। पूजा करते करते ही मुझे 11 बज गई और फिर मैं अभी बना रही हूँ खाना, और खाने में आज बना रहे हैं गट्टा बेसन, तो उसका ये आटा गूंथ के लाई हूँ। अब छोटी छोटी गोलियाँ बना देती हूँ और आटा गूंथ के रख दिया, चावल भिगा दिए हैं, काम लगभग हो गया। पर 11:30 तक जो शॉप पर जाना था वो टारगेट पूरा नहीं होगा, 12 बजे जाने का ट्राई करते हैं। एक पैकेट दो चुगी 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 चुगी, इसको पप्पी करते हैं अपन तो क्या कहती है, चुगली चुगली, वो थोड़ी सी थूक लग जाती है। नहीं ये करती है तो कुछ नहीं, नहीं मेकअप कैसे करती है इसका, ऐसे करके इसका थूक लगा के अपने मुंह पे लगाती है। मेकअप कर दो, मेकअप कर, मैं क्या कर दूं मेरा ना। आज चौथी किसने बनाई है? बुआ, बुआ ने बनाई है। मेरी हिमालू क्या कर रही है? आ जाओ बेटा ऊपर आ जाओ, ये खाना है, ये बहुत यम्मी है ना। क्यों? ओला ताले ताले तू। सब्जी खाना हो चुका है और मैंने जितनी देर रोटी बनाई है उतनी देर हिमायरा मेरे साथ ऊपर ही बैठी है। और यहाँ पर बैठ के क्या खाया बेटा? खाना। खाने में क्या क्या खाया? क्या खाया खाने में? शोका, मतलब शोका। क्या, क्या, क्या खाया बेटा? शोका। हाँ नमकीन लग गया। क्या खाया? आपने क्या खाया बेटा? बताओ आपने क्या खाया? शोका। खाना बेटा एक हाथ से खाते हो तुम, जिस हाथ से मूड हो रहा उस हाथ से खा रही है। अब मैं और चाचा भी खाना खा ले बेटा, मैं और चाचा खा लेते हैं ना। ओके चलो आपकी भी प्लेट वहाँ ले लूँ। ओ इमना आप जो चला गए, मैंने उतर भी दिए। लग रही है तबड़ रही है, बस आ रही है। मैं मेरे लिए तुम्हारे लिए दोनों के लिए भर के ले आती हूँ। ये हमारा खाना, गट्टा बेसन की सब्जी, रोटी, नमकीन। हिमायरा का भी खाना हमारे साथ में चल रहा है। पार्सल चिकू का पार्सल आ रहा है और चिकू ने गलती से इसके सामने बोल दिया कि मैं पार्सल लेके आ रहा हूँ। क्या रोई है और अभी पूछ रही है कि पार्सल लेके आई है? हाँ दाल है, गलम है ना, खा लो बेटा। जल्दी निकलने का बहुत ट्राई किया, बाल भी बनाए नहीं है, सलून जाके ही बनाऊंगी। और कस्टमर भी आ गए हैं, चिकू भी वेट कर रहे हैं, तो चली ही जाती हूँ। और हिमायरा भी साथ में आने के लिए जिद पड़ी है। चिकू चिकू आ जाओ, चलो रेस लगाओ। हाँ बैठ रही हूँ, पीछे बैठ रही हूँ। आप आ रही हो? बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय। ओके कोको दिला देना भाई इसको एक। शॉप पे आ गई मैं, अंदर कस्टमर है, कस्टमर का काम करती हूँ। शॉप पर आने के बाद आज तो रोशनी थी नहीं, तो पूरा दिन कस्टमर मुझे ही हैंडल करने हैं और करने थे, हालांकि कुछ तो कर दिए हैं और कुछ तो अभी टाइम तो लगभग हो गया है, 4:30 बज चुकी हैं। और जो सीखने आते हैं उनकी छुट्टी भी हो गई है, बस अब मैं अकेली हूँ, तो अब थोड़ी देर अभी कस्टमर नहीं है तो आगे वाली शॉप पर जाके बैठती हूँ। और आज मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से फ्री होके जाऊँगी, पर जल्दी से फ्री होके जाना सेट हुआ ही नहीं, क्योंकि गट्टा बेसन की सब्ज़ी बना रही थी, तो गट्टा बेसन सब्जी गोलियाँ बनाने बनाने में काफ़ी टाइम हो गया। और एक तो बजी गई मुझे आते आते, बोले कितना भी खुद को चैलेंज करो कल और थोड़ा जल्दी करूँगी काम, और झटपट सब्जी बन जाए वही सही रहता है। और घर अभी बारिश के टाइम पर तो केकोड़े आ चुके हैं घर पर, तो आज जाके केकोड़े काटेंगे या केकोड़े की सब्ज़ी बनाएंगे, मेरे फेवरेट हैं। आप लोगों में से कितने जनों के केकोड़े फेवरेट है वो बताना, मुझे बहुत पसंद है।
आज मम्मी पापा जा रहे हैं प्रभुबा के वहाँ पर, तो मेरे मम्मी पापा भी जा रहे हैं साथ साथ में, तो दोनों मम्मी पापा जा रहे हैं आज प्रभुबा के वहाँ पर। तो मुझे और चिकू को बुला रही है मेरी भाभी कि आप दीदी आ जाओ, क्योंकि आपके हाथ के मुझे सैंडविच खाने के हो गए और आपकी याद भी आ रही है। तो चलो आज हम चले जाते हैं, मम्मी पापा जब तक वहाँ रहेंगे तब तक हम भी कल्याणपुर इतनी देर रह जाएंगे, और साथ ही साथ हमारा यश और मेरा भाभी का चिकू का हम सबका गेट टुगेदर भी हो जाएगा और साथ में चिल भी हो जाएगा थोड़ा। तो अभी हम जा रहे हैं सारा सैंडविच का सामान लेने के लिए, क्योंकि भाभी को खाने हैं मेरे हाथ के सैंडविच, तो सारा सामान यहाँ से लेके जाते हैं, फिर वहाँ जाके पार्टी करेंगे। अभी चिकू आते ही हैं, बस घर जाने का भी टाइम हो गया, 6:30 हो गई है, तो घर पे जैसे ही जाऊँगी सारा सामान लेके जाऊँगी, थोड़ी देर के बाद फिर घर के लिए हम निकलेंगे। चलिए तो शॉपिंग करने के लिए हम दोनों निकल गए हैं, और ब्रेड थोड़ी दूर मिलती है इसलिए मज़ा आएगा थोड़ा। गाड़ी तेज चला रहा काफ़ी है, 33। 3 पैकेट तो ले लो, 3 पैकेट तो इनफ हो जाएंगे। वैदिक के लिए एक एक्स्ट्रा लेना। 4 लो। हाँ 4। ठीक है, वैदिक के बड़े बड़े ही ले लिए। बड़ी वाली है क्या, पूछ लो एक बार। नहीं वो नहीं है, वो बड़ी है। केक भी बनवा देते हैं ना, मम्मी के बर्थडे है कल। बोल दिया ना। बोल दिया मम्मी के कल बर्थडे है, तो कल मम्मी के बर्थडे के लिए भी केक बनवा दिया है मैंने, जैसे डिजाइन दिए ना वैसा ही बनवाना। बटर दे दो, बड़ा दो। बड़ा वाला है, बड़ा वाला टेस्टी आता है वाकई। हां बिना दी यही यूज करते हैं। यही है ना, बिना दी एग्लेसी है ना। हां एग्लेसी। ये बटर इतना कम होएगा बाबा। तो और अभी बहुत टाइम हो गया, सैंडविच बने नहीं है। भाभी को बहुत याद आ रहे थे मेरे हाथ के सैंडविच, तो दीदी सिखा के भी जाना और खिला भी देना। लिस्ट देख के पनीर और चीज़ दो चीज़ें और याद आ रही है, जो कि दो चीज़ें कौन खाने वाला है मैं आपको बता दूँ, सिद्धि सटबाज चिकू और वैदिक, और यश को भी चीज़ तो पता है पर पनीर के लिए वैदिक बोलेगा ही बोलेगा। दीदी थोड़ा पनीर डाल देते, टेस्ट आ जाएगा। सैंडविच का सामान हुआ रेडी। घर पे आ गए, मम्मी को भी जाना है तो मम्मी को साड़ी बाड़ी पहना देते हैं। ओ भगवान। ओ ये कौन सा बैग है? और ये साइड बैग। अच्छा चार्जर ने इनके लिए स्पेशली। हाउ ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, सिर्फ खुद की चीज़ों का लेके, कपड़े कभी ऑर्गेनाइज नहीं करते, वो तो बखेरी दूंगा लाड़ी करी देगा। अच्छे हैं पर दोनों। हाँ जाने की पैकिंग कर दो, मैं तो रेडी हूँ। कल्याण पहले मैं कल्याणपुर जाती थी, नई नई शादी थी तब तो नई साड़ी पहन के जाती थी, तैयार होके जाती थी, अब हूँ ऐसे नैसे चली जाती हूँ। आज अपने कोइंसिडेंसली मैचिंग पहना है। अब हम निकल रहे हैं, चिकू ने तो उनका पार्सल पूरा रेडी कर दिया है, मैं फ़ोन ले लेती हूँ, कैमरे के अंदर भी चार्ज तो है पर एक बैटरी आपने ले ली, गुड बॉय। और ये सैंडविच का सामान, ये छोटी वैनिटी, बॉय गुड हो गया है, बॉय गुड गुड हो गया है। सर हमारे ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके हैं, मैं पीछे आ गई हूँ, मम्मी अभी बैठेंगे, मैं तो यहाँ पर सामने हवा भरा रहे थे तो यहीं पर आके बैठ गई। पापा शॉपिंग करने लगे हैं, बैठ ली मेरा। ये मेरे बाल देख सिल्की हुए आज। वो करी? हाँ। एलोवेरा दबा। कौन सा वाला? ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का। सिल्की भी हो गए, इचिंग जो होती है ना, वो भी बंद होगी। देख, है ना? मम्मी देव क्या मुझे सट्टा भी करा दूँ आते? नहीं लेट हो रहा है वीसी में। अच्छा वीसी में चलवा जा क्या? पापा कैसे? बस बढ़िया। तो मैं बता रहा नहीं बेटा, कहीं निकली जाओ। वाह मो आदी मम्मी को बाय कर रहे। वाह पापा वो हो जाके आओ। ओके जैसे कृष्ण। भाभी आपने पॉप्टी क्या नहीं पहना? यस मैं पॉप्टी पहना, मैंने भी पॉप्टी पहना है। जी हाँ अब पार्टी ऑन। एक ब्रेड का पैकेट तो वैदिक के लिए लिया।
यहाँ पर आ गए, अब तैयारी करते हैं पनीर, पनीर की क्या उसकी वो फूट तो नहीं गई अंदर? हाँ पनीर भी लाए। बाप रे वजन उसने, ए इसके इतना वजन दे दिया तूने इसको पकड़ने के लिए। चलो तो अभी हम करते हैं सैंडविच की तैयारी भाभी और हम दोनों। एक बार पानी पी लो आप। हाँ पानी पी लो तुम। सैंडविच की तैयारी यहाँ पर हो रही है, भाभी भी प्याज व्याज लेके आ रही है किचन में। तो यहाँ पर सैंडविच बन चुके हैं और यहाँ पर सैंडविच अभी गर्म हो रहे सैंडविचेस। सैंडविच बन तो रहे लेकिन सबसे ज़्यादा जल्दी इन लोगों को हो गई है, हमको सबसे पहले दिया था और इससे ज़्यादा बुक्कर तो बाहर बैठे हुए वो तो ये सोच रहे कि कब हमारी प्लेट में आए और कब हम मुंह में उसको डालें। पर बहुत टेस्टी बनाते हैं दीदी सैंडविच, मैंने एक बार खाया लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, इसलिए आज मैंने दीदी को बोला कि हम आज सैंडविच पार्टी हो रही है। हाँ बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम बाद मेरी और मम्मी पापा भी नहीं है घर में। हाँ और शादी के बाद तो हम फर्स्ट टाइम हाँ रहे ही नहीं है, फर्स्ट टाइम साथ में रहे। आते हैं तो फिर हम रहता ही है। मैं बोल रही हूँ आप रेचा, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आती है, मैं 3 महीने से इस शख्स को ये बोल रही हूँ कि आप रुको घर पे आओ रहने आओ मेरे साथ रुको, तो आपको ये बात समझ में आ गई हो तो आप इनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलो कि आप जाओ हिमांशी के पास। मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है। फर्स्ट आप ही खा लो ये नहीं बाहर मत दो, फर्स्ट आप ही आर भगवान को मिले। हाँ। अभी वैसे भी माता जी के दिन चल रहे हैं। ये सैंडविच, सैंडविच रेडी हो गए, देखो इसका कितना अच्छा डेकोरेशन किया। बहुत जल्द हम सोच रहे हैं एक कैफे खोले रोहिम। अंश तू काम करेगा उसमें, कैशियर का काम कर देना। सब काम कर देंगे और जीजू और यश को बर्तन धोने का काम देंगे। ओ वाह बेचारे। और वेदी को सर्व करने का। वेदी को क्या काम देंगे? सर्व करने का। भाभी टेस्ट कर रही है यहाँ पर सैंडविच। बहुत टेस्टी, मजा आया, बहुत ज्यादा टेस्टी है। अब हम दोनों खाते हैं, हमारे लिए यहाँ पे सैंडविच रख दी है हमने, उनको भी भेज दिए बाहर। और मेरे हाथ थोड़े से ग्रीसी ग्रीसी इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। भाभी ननंद का प्यार हैशटैग। चू कैसे लगे? क्या बोल रही है? एक नंबर। मजा आया? बहुत मजा आया। कैसे लगे? आज नहीं खाई। बोलना क्या ही पूछ रहे थे? ये बंद करो, क्या किससे बातें कर रहे हो? बोला गया। कैसे लगे वैदिक? बढ़िया। खाए नहीं खाए? क्यों ये वेदी कैसे क्या करता है? अरे मैं वेद से नहीं। ये पे मेरे को क्या गिफ्ट दे रहा है? क्या आलिया? तो आलिया ना ये हो गया तो ये रोमा जी क्या कह रहा था? नहीं यहाँ पर बैठ के गप्पे मार रहे हैं। भाभी अब आप भी आ जाओ, ठामड़े धो के तो दिए ठामड़े, सबके सैंडविच खवा गए और वेदिक और हम सब बातें कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और आज हमको 2-3 बजे तक जागना है क्योंकि मम्मी पापा इतने लेट ही आने वाला है। कैमरा सामने भाभी आप जागोगे 2-3 बजे तक? जागेंगे। तुम जागोगे? हम तो पबजी खेलेंगे। पबजी भी एंड है, कहाँ से खेलोगे? प्ले स्टोर पे। इससे अच्छा तो आप कैसे रहते रहते हैं यहाँ आराम से खेल रहे हैं। यहाँ पे यस की रील्स भी बनी हुई है। उंगली डालते हुए हमारे फ्री होके हमने भाभी के बालों में ऑयलिंग की और मेरे पैर दर्द हो रहे थे तो भाभी ने पैरों में भी मालिश करके दी और अभी चंपी हो गई है, चोटी बना रही हूँ। पर अब होती है हमारी बातें स्टार्ट, तो यहीं पर कर देती हूँ ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय।